ये 3 इंच का ज्वाइंट है जो कि वेल्डिंग हो चुका है, ये कैपिंग है, और इसको कैसे मारा गया वो इस वीडियो में बताया जाएगा। ये देखिए रूट अंदर से पूरा रिंग बना हुआ है, ऐसा ही एसएस का रूट होना चाहिए अंदर में, तो एक्सरे पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अंदर वाला भी सेम रूट है, वैसा एकदम बराबर रूट निकला हुआ है। इसको कैसे मारा जाएगा इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3 इंच का एसएस ज्वाइंट जो कि 10 शेड्यूल का है, 3 mm थिकनेस है इसका, किस प्रकार मारा जाएगा, मतलब क्या क्या चीज़ जरूरत होगा और कैसे मारेंगे। 3 इंच का ये एसएस का ज्वाइंट है, इसका अंदर में ये दमी लगा हुआ है, इधर में जो रुआ आता है उसका, यहाँ पर ये लोग ब्रश बोलता है, और एक इधर से होस पाइप दे के आर्गन होस है जो कि अंदर से एक तरफ से दिया हुआ है, ये पाइप एक तरफ से दिया हुआ है, और लगने के बाद ये ज्वाइंट में मास्किंग टेप बोलते हैं इसको, टेप से ज्वाइंट को साट देना होता है ताकि गैस मतलब बाहर नहीं निकले एक्स्ट्रा गैस, जितना वेल्डिंग मारना है उतना ही दूर हटा के वेल्डिंग मारा जाता है। पर्चिंग देने का मतलब वही है कि जो ऑक्सीजन है वो हट जाए वहाँ से, मतलब पूरा आर्गन अंदर में हो जाए, वेल्डिंग का जो रूट है एसएस का वो बराबर होगा, इसलिए पर्चिंग दिया जाता है एसएस में पर्चिंग देने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, और रूट मारने के लिए एम्पियर 65 रखेंगे जो कि यहाँ पर 65 है रूट मारने। इसमें 20 CFS या जो भी प्रेशर आपका घड़ी में आता है 25, वो कांटा जो होता है वो 20 में रख के अंदर में जो गैस दिया गया है पर्चिंग का उसको रखेंगे, और टॉर्च का जो गैस है वो 10 रखेंगे, टॉर्च का जो ये गैस है वो 10 रखेंगे। हाँ मारना है उधर थोड़ा सा हटा देंगे और इसे चेक कर लेंगे, थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो मालूम चल जाएगा कि गैस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आर्गन गैस निकलना चाहिए, अगर है अंदर में तो दिख जाता है, तो देख लेंगे। हाँ आ रहा है, तो गैस खोले हुए 2-3 मिनट हो गया है, तो अभी और हाँ इसमें 308L का फिलर यूज होगा जो कि पोर्ट बराबर दिखेगा नहीं कैमरा में, ये 308 का मैं एक साइड फिलर देता हूँ और की होल बना के एसएस मारता हूँ, वही मैं बताऊंगा। और हाँ मैं हैंड टच मार रहा हूँ, हैंड टच इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप मोरिन भी मार सकते हैं, जिससे जो सुविधा जैसे बुझा वो मार सकते हैं। दूसरे साइड में जब मारेंगे उस टाइम में ऊपर मिलाने के लिए ऐसे ग्राइंडिंग से घस देना है जो इसका। ये रूट है जो 3 इंची जो मारा एसएस का रूट है, इस प्रकार से रूट होना चाहिए तो रेडियोग्राफी जो टेस्ट होगा उसमें वो पास हो जाएगा। ये फ्लेक्स मारा गया है ज्वाइंट में, और ग्राइंडिंग से रूट को घस के फ्लेक्स मार देना है। उसके बाद कैपिंग मारने के लिए पावर
85 रखेंगे, 85 में मराया आपका रूट और 85 रखेंगे टैपिंग मारने के लिए।